अप्रैल की आज 20 तारीख है, और जैसे कि आपने मेरे गार्डन में देखा होगा, छोटी छोटी जो प्लास्टिक की बास्केट होती हैं गली मोहल्ले में बिकती हैं, 10-15 या 20 रुपए की आराम से ऐसे मिल जाती है। तो ये 10 या 15 रुपए वाली बास्केट है, जो 20 की मिलती है वो थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होती है, तो ये छोटी बास्केट है। तो ये 10-15 रुपए वाली बास्केट में मैं आज क्या ग्रो करने वाली हूँ? वैसे तो आपने इनमें मोस रोज़ भी लगा देखा मेरे गार्डन में, और पर्सलेन भी लगा देखा, और भी कई तरह से पिटूनिया भी, और भी बहुत कुछ मैंने इनमें ग्रो किया है। बट आज मैं पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल करके, पुरानी मिट्टी वो जो कुछ टाइम पहले मैंने आपको वाटर लिली ट्रांसप्लांट करना सिखाया था, और उसमें से उनकी जड़ें और पुरानी कुछ मिट्टी साथ में निकल आई थी जड़ों के, वो शैवाल वगैरह, तो उसका इस्तेमाल करके मैं क्या ग्रो करने वाली हूँ। तो ये मेरे पास छोटी सी जो प्लास्टिक की ये बास्केट, ये देख रहे हैं, तो यहाँ बैठ के मैं छाया में काम करती हूँ, और अब बहुत सारा काम पड़ा है तो सोचा इसका क्या इस्तेमाल करूं। और ये जो एक बाल्टी देख रहे होंगे ऊपर तक पानी से भरी थी, तो धूप में पानी ये पूरा नीचे रह गया है, इस तरह से काम करती हूं मैं। तो जब मैंने वाटर लिली आपको ट्रांसप्लांट करना सिखाया था, तो ये पानी पूरा सूख गया, नीचे तक चला गया। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें मैंने जो पहले मैं ये बताती हूँ आपको कि इसमें मैंने क्या ग्रो कर रखा था। तो इसमें मैंने सिंघाड़ा लगाया हुआ था, तो सिंगाड़ा ऊपर तक पानी भरा हुआ था, सिंगाड़े का पौधा अब इसमें तो नहीं है, दूसरे उसमें तैयार कर रही हूँ, पर इसमें 4-5 मुट्ठी जो मिट्टी की होती है, बाकी पानी ऊपर भर के फिर सिंगाड़ा लगाते हैं, तो वही 4-5 मुट्ठी जो मिट्टी के नीचे होंगी इसके, और जो भी कटिंग वगैरह, जहाँ ये किसी गमले में से ये विंका मैंने निकाला, तो ये रेड कलर का था, मुझे चाहिए था, तो मैं इसी में डाल देती हूँ, और ये जो पौधे निकाले इसी में डाल देती हूँ। और उसी तरह से मैंने एक जो ट्यूबर, वाटर लिली का ट्यूबर डाल दिया था, तो उसकी जड़ें और पत्ते मैं देख रही थी बहुत अच्छे से बन गए हैं। तो अगर मैं उसे ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी तो ये देख, ये ऐसे, तो इसे अगर ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी तो फिर ये जो हमारा बेकार चला जाएगा पौधा, इसमें फूल भी नहीं आएंगे ये, क्योंकि वाटर लिली का एक अपना एक तरीका होता है। तो इसी को आज मैं इस बास्केट में ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। और मिट्टी का इस्तेमाल कौन सी मिट्टी करनी है ये भी बताती हूँ। तो इस ट्रे में मैंने जो उसमें से टब में से पुरानी मिट्टी वगैरह कुछ निकाली थी, तो ये दिखाई थी ना आपको, जगह बनाई थी, क्योंकि जड़ें जब पूरी भर जाती हैं तो मिट्टी फिर ऊपर तक आ जाती है, टब भर जाता है, तो ये सब सूख गया है, तो बहुत टाइम हो गया, और इसी का इस्तेमाल करके इसी को कुछ मैं टब में डालूंगी और इसी को मैं करती हूँ। तो इसका थोड़ा हिस्सा मैं अब टब में डालती हूँ, उसको भुरभुरा करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो इसमें से कुछ हटा के मैंने जो ढेले जैसे हाथ से निकाले थे तो ये डाल दिए हैं, और ये बड़ी ही हल्की है, क्योंकि इसमें जड़ें वगैरह और ये सब पत्ते वगैरह और डकवीड वगैरह ये देख रही होंगे, हरा हरा भी सूख गया है, तो भी हरा जैसा रंग इसका है, ये तो ये सब है, तो इसको ऐसे भुरभुरा हो जा रहा है, ये देखो जरा सी खुरपी मार दूँ तो ये ऐसे बारीक हो जाएगा इस तरह से। तो मैं इसको बारीक करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसको भुरभुरा कर लिया है, लास्ट ईयर जो मैंने मूँगफली के छिलके डाले थे, असर तो इसका निकल गया होगा पूरा, तो ये भी हैं, तो ये चूँकि पानी में अगर तैरेंगे, पहले तो मैंने उसमें नीचे डाल के फिर मिट्टी डाली थी, तो ये ऐसे ही डाल दिए हैं मैंने, और देखेंगे अगर तैरेंगे तो बाद में देखेंगे, हम निकाल लेंगे। फिलहाल यहाँ पर इस पर प्लांट हम कैसे जो प्लांट को ट्रांसप्लांट करेंगे, और बिना खाद डाले, कोई भी खाद नहीं डालेंगे, और मिट्टी की ज़रूरत पड़ी तो उसी ट्रे में से और लेके, तो इसी में अगर ग्रो करते हैं और नहीं, अगर देखते हैं रिज़ल्ट अच्छे रहते हैं तो भी मैं शेयर करूंगी, अगर बुरे रहेंगे तो भी मैं शेयर करूंगी, ऐसे ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं छाया वाली जगह में बैठी हूँ, हो सकता है आपको पिक्चर क्लियर नहीं आ रही होगी। तो ये इसकी ये देखो ट्यूबर है, ट्यूबर की ये रूट्स पानी में ऐसे बन गई हैं, ट्रांसप्लांट कर दिया होता मैंने टाइमली तब तो बहुत बड़ी ग्रोथ हो गई होगी, पर बट मुझे तब ना कुछ सूझ रहा था, मैंने ऐसे ही डाल दिए, जो करने थे वो मैंने कर दिए, और ये बस इसको ऐसे ही रख देना है, और ये जो क्राउन है ना ये ऊपर आना चाहिए, और अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा कि मिट्टी कम लग रही है, ये इसको ऐसे दबा देंगे हम, थोड़ी सी और डाल दूंगी, और जड़ें बस मुझे ये इसमें चलानी है, और यही देखना है कि इसमें कुछ कैसे फूल आते हैं कि नहीं, बिना कोई खाद के, वही मूँगफली के छिलकों का, क्योंकि असर तो अब निकल चुका होगा ना, इतने टाइम वो पानी में रहे, तो ये और इस तरह से ये, और थोड़ी सी उसमें से और मिट्टी मैं डाल दूंगी, इसमें से पूरा भर देना है पानी, जितनी जगह तो होनी चाहिए इसमें,
तो मैंने कई बारी छोटे पोट में भी ग्रो किया है, एक स्टील के पतीले में भी एक बारी ग्रो किए थे, छोटे से स्टील के पतीले में, कंडम था साइड से टूटा हुआ था उसमें लगाए थे, तो खूब सारे। तो बस ये पत्तियाँ ऐसे अभी तो तैरनी चाहिए, बरसात के टाइम तो फिर ये बाहर आ जाती हैं क्योंकि हवा में भी फिर नमी होती है। तो इस टाइम जो है हमारे यहाँ बिल्कुल सूखी गर्मी पड़ रही है, नमी नहीं है हवा में, तो ये पत्तियाँ अब ऐसे पानी में रहने देंगे, अगर बाहर रहेंगी तो ये जल जाएंगी फिर ऐसे इस तरह से। तो बस ऐसे ही करते हैं और थोड़ी सी उसमें से मैं मिट्टी देखती हूँ, अभी तो मैं ऐसे ही चलने दूंगी, फिर देखेंगे किसी दिन अभी ये तो सेट हो जाए मेरा। तो फिलहाल जो इसे पानी की ज़रूरत है, पानी में अभी डूबा हुआ होना चाहिए ये, और मैं इसे नेट के नीचे ही रखूँगी, तो क्योंकि ये जो बकेट में पड़ा हुआ था तो पानी में ही डूबा हुआ था पूरा, और खुराक नहीं मिल रही थी, मिट्टी वगैरह नहीं थी, तो इसलिए पत्ते इस तरह से इसके हैं, अभी ऐसे ही चलने दूंगी। और छिलके वगैरह जब थोड़ा सेट रूट्स चलने लगें तो फिर मैं कुछ वही वाली मिट्टी, थोड़ी काफ़ी कुछ बचती है ट्रे में वो, तो वो थोड़ी फिर इसके आसपास जो ये इसका क्राउन है ना, क्राउन को ऊंचा करके रूट्स जब सेट हो जाएं फिर डाल दूंगी। तो बस ये हमारा लग गया, बिना किसी कोई ख़ास मिट्टी बनाए, कोई खाद नहीं डाली, पुरानी मिट्टी का हमने इस्तेमाल किया है, और 10-15 रुपये वाली छोटी सी बास्केट में ये मैंने ट्रांसप्लांट किया है, ये वाटर लिली। तो मैं इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ, और ये करने से ही हमें अच्छे या बुरे रिजल्ट्स का पता चलता है, और नेक्स्ट टाइम फिर हम उस चीज़ को आराम से कर सकते हैं कि हाँ ये फ़ायदे वाली है कि नहीं है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।